में पास हो गए। अच्छा मेरा सवाल कैटरीना जी से है कि सलमान जी नहीं चाहते कि आप उनको भाईजान बोलिए, तो आप कौन सी जान बोलना चाहेंगे? मेरी जान। Sunil Grover, Jackie Sir. आजकल क्या हो गया ना कि लोग इमोशन से घबराते हैं, इमोशन को ये समझ के चलते हैं कि क्लीशेड है, सो दे ट्राइंग टू डू डिफरेंट स्टफ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलता नहीं है। हम सब इमोशन से जुड़े हैं, हम सब सही और गलत से जुड़े हैं, और ये ग्रास रूट जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है। सो जो लोग इमोशन से डरेंगे उनकी पिक्चरें आई डोंट थिंक यू नो कभी चलेंगी। You need that emotion, you need that entertainment, you need the action, you need the heroism. जो कि अली में ये सब चीजें हैं। Sunil Grover and Jackie Sir, if you can please briefly tell us about. Sunil Grover is one of the most talented men I've come across, and he's fantastic in the movie. He's there, he's playing my childhood friend. हम लोग 8-9 साल की उम्र से साथ हैं, end तक के, so he's done a fabulous job. Ali, this is your third film with Salman Bhai after Sultan and Tiger Zinda. So how excited are you? Because a lot of hopes are built on the film. So, Ali, that was nice. Excited तो है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। जैसे साहब ने बोला कि फिल्म का नाम भारत है, और जब आपकी फिल्म का नाम भारत हो और सलमान खान कटरीना कैफ उसमें हो, तो आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि जो फिल्म आप बनाएं वो उस नाम की अहमियत रखने के लिए। तो कोशिश हमने करी है साथ मिलके, और आज के वक्त में एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है ये, क्योंकि जैसे एक ट्रेलर में भी लाइन थी कि देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है, तो कहीं ना कहीं द होल फिल्म इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता की बात करती है और कहती है कि देश एक परिवार की तरह है, और जो आज भी अपने परिवार को साथ रख सकता है वो पूरे देश को साथ रख सकता है। हाय सलमान सर, हाय सलमान सर, दिस इज रवि। सर बैक टू द फिल्म और टाइटल है भारत, सो दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी शुड बी देयर इन दैट मूवी, दैट नोबिलिटी, दैट ग्रैंडर, दैट हैज टू बी, हैज टू बी देयर। वी डन आवर बेस्ट, आई मीन प्रोडक्शन वाइज, दिमाग से, राइटिंग वाइज, हर चीज़ में हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को कोई सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप की नहीं है, नो के वी आर मेकिंग अ फिल्म के बहुत अच्छी लिखी और क्रिटिक्स के लिए है वगैरह, नो वी मेकिंग अ फिल्म फॉर द ऑडियंस, जिसमें गाने हैं, रोमांस है, मस्ती है, एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो कि निभाता है आदमी, सो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और फैमिली मैन है, बट मिडिल क्लास आदमी है, ही इज नॉट अ बोरिंग मैन, ही हैज सीन लाइफ, ही इज यू नो ट्रैवल्ड द वर्ल्ड, मेहनत की है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द फिल्म, एंड ऑल्सो एंटरटेनिंग भी है।